हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक लग गई है या फिर अगर आपका ईयर बैक लग गया है, ईयर बैक नॉर्मल तरीके से जिसको आप फेल कहते हैं, या फिर आपका रिजल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, या फिर अदरवाइज ऐसे कहिए कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स मिला है, तो इस केस में क्या आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा या फिर नहीं। बहुत सारे बच्चों के मन में इस तरीके के डाउट्स थे, सर मेरी तो बैक लग गई है, उसमें क्या चूज करें, और मेरी स्कॉलरशिप की राशि आएगी या फिर नहीं। सर मेरी ईयर बैक लग गई है जिसको आप नॉर्मल तरीके से फेल कहते हैं, तो मेरी स्कॉलरशिप की राशि आएगी या फिर नहीं। नो रिकॉर्ड फाउंड वालों के लिए अलग समस्या थी और ग्रेस मार्क्स वालों के लिए अलग समस्या थी। तो फाइनली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ईयर बैक यानी कि जिसको आप फेल कहते हैं और नो रिकॉर्ड फाउंड के बारे में। देखिए, नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब होता है कि आपका रिजल्ट बोर्ड से ही डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो वो डिक्लेयर कर देगा, तो उसके बाद देख के आप सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। अदरवाइज नहीं करता है तो आप फेल ही माने जाएंगे, ठीक है। यानी कि ईयर बैक कह लीजिए या फिर फेल कह लीजिए। तो फेल वालों की देखिए, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में थे, आपने पेपर वगैरह दिया, अब आप फाइनल ईयर में जाने वाले थे, कोई भी कोर्सेज आप कर रहे हो, किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, तो आप फाइनल ईयर में जाने वाले थे, लेकिन अगर आपकी ईयर बैक लग गई, आप सेकंड ईयर में फेल हो गए, तो फिर से आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे और एक साल में दो बार आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलता है। अदरवाइज सीधे तरीके से कहने का मतलब है कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाता है, ठीक है। फेल और नो रिकॉर्ड फाउंड वाले के लिए हो गया। ग्रेस के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको ग्रेस मिल जाता है किसी भी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में या फिर दो सब्जेक्ट में, तो ग्रेस का मतलब होता है कि आपको कृपांक नंबर देकर के पास कर दिया गया है, आप नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल है। तो जब नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल है आप, तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिल जाएगा, तो ग्रेस वालों के लिए कोई समस्या नहीं है। अब बात कर लेते हैं बैक वालों के लिए। जैसे कि कई सारे स्टूडेंट ने कमेंट भी किया है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बैक वालों की स्कॉलरशिप नहीं आएगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है कि क्या नहीं आएगी क्या, ठीक है। तो बैक वालों की बता दूं कि अगर आपका एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में, मतलब तीन सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगा है, अगर आपका नेक्स्ट ईयर में एडमिशन हो गया है, अगर आपका नेक्स्ट ईयर में एडमिशन करा लिया है आपने, हो गया है, तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ईयर बैक वालों के लिए समस्या होती है, बैक वालों के लिए कोई समस्या नहीं होती है। बैक का मतलब होता है चलिए एक दो सब्जेक्ट में आप कमजोर है, नंबर नहीं ला पाए, तो आगे आपको मौका दे दिया जाता है कि अगले सेमेस्टर में जाकर के आप उसको क्लियर कर सकते हैं। हालांकि आपका नेक्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाता है, और नेक्स्ट ईयर में एडमिशन होने का मतलब है कि आपको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। यहां देखिए एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है, सर मैंने फर्स्ट ईयर में फॉर्म स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, इस हाई स्कूल का परसेंटेज 83 से 80 फिल हो गया था, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए, हालांकि इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो भी चीजें फिलअप करेंगे या आपकी गलती मानी जाएगी, और जो आपके मार्क्स होते हैं वो काफी बारीकी से देखे जाते हैं। मान लीजिए कि हो सकता है कि आपने मार्क्स गलत भर दिया, हाई स्कूल का रोल नंबर गलत भर दिया, तब तो आपका पूरा डाटा ही गड़बड़ हो गया आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म में। तो इस केस में अब यह आपकी समस्या है, इसलिए कहता हूं मैं कि आराम से सारे प्रोसेस को देख के भरिए, आराम से काम करिए, कोई जल्दीबाजी ना करे, तो यह आपकी गलती है। अब इस केस में देखिए कि कोई कभी कभी होता है कि कई बच्चों की आ भी जाती है, कभी कभी होता है कि फंस भी जाती है, तो अगर कॉलेज आपका वेरिफिकेशन कर देगा, जो आपका इंस्टीट्यूट है वो अगर वेरीफाई कर देगा कि चलिए हाँ डाटा इसका सही था, वो आप वहाँ पर सारी चीज़ें वो मैनेज करके अगर आगे की ओर फॉरवर्ड कर देगा, तब तो आ जाएगी। अगर कॉलेज ही रोक देगा कि नहीं इसका डाटा तो गलत है, तब नहीं आएगी। लेकिन कॉलेज वाले, मतलब 90-99% केसेज में वो होता है कि कॉलेज वाले आगे की ओर फॉरवर्ड कर देते हैं, वो जानते हैं कि आपके हाई स्कूल की मार्कशीट उनके पास रहती है, फोटोकॉपी वगैरह, तो सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।